नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मेरा नाम है लकी भाई और लकी टिप्स इलेक्ट्रॉनिक में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सिंगल कॉप सैमसंग पैनल को रिपेयर करने वाले दोस्तों, वो भी सिंगल ट्रैक कट करके। तो किस तरीके से इस पैनल को रिपेयर किया जाता है दोस्तों, आपको पूरा डीपली नॉलेज इस वीडियो में दिया जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले माफी चाहता हूँ दोस्तों कि बहुत दिनों से मैंने YouTube पर वीडियो नहीं बनाए, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य में थोड़ी तकलीफ थी। अभी पूरी तरीके से ठीक हूँ और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि YouTube पर बहुत सारे वीडियो आते हैं कि किस तरीके से इसे कट करना है। दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतने लाइन कट कर दीजिए, उतने लाइन कट कर दीजिए, लेकिन क्या होता है दोस्तों, ये जो ट्रैक होते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, नाजुक होते हैं। आपको पता है कि आपके जो हैंड पे बाल होते हैं, हाथ पर बहुत ही बारीक होते हैं, इतने बारीक इसके ट्रैक होते हैं दोस्तों। और इसे किस तरीके से काटा जाता है दोस्तों, इसका भी पूरा आपको डीपली नॉलेज में बताऊंगा। और मैं माफी चाहता हूँ अगर ये वीडियो हमारे कोई कस्टमर वगैरह कोई देख रहे होगे, तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि घर पे ये ट्राई ना करे दोस्तों। क्योंकि क्या होता है, जब भी आप इसे पावर दोगे और इस पीसीबी पर कहाँ पर भी उंगली अगर लगा देते हो, हमारे खानदेश में एक कहावत है दोस्तों, उंगली लगाने से पेट बाहर आना। तो आपको मैं बताता हूँ, अगर आप इस पर उंगली लगाते हैं तो आपका पूरा पीसीबी भी डैमेज हो सकता है और आपका पैनल भी खराब हो सकता है। इसमें क्या होगा, आपका पूरा पैनल जो है डिस्प्ले एक खराब हो जाएगा। क्योंकि इसे सीखने में और इसे मेहनत करने में, इसमें मेहनत करने में बहुत सारा टाइम लगता है दोस्तों। यदि ये ट्रैक कट करके हमसे ना होता है तो इसे वापस शोल्डर भी करना पड़ता है। और इसमें देखते देखते जब हम शोल्डर करते तो जो पेस्ट होता है, पेस्ट का धुआं सीधा आँख में जाता है और इसमें आँख भी खराब होती है दोस्तों। तो इसे घर पे जरूर ट्राई ना करें, क्योंकि मैं आपको सलाह देता हूँ, अगर आप घर पर से ट्राई करते तो आपका एलईडी का कॉप भी खराब हो सकता है। इसमें जो कॉप लगा होता है दोस्तों, बहुत ही पतला होता है, जैसे कि एक पन्नी का टुकड़ा दोस्तों, और ये फट भी सकता है। और इस पे बहुत सारे लोग यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं कि हमने ये देखा वो देखा, क्योंकि सब फॉल्ट एक जैसे नहीं होते दोस्तों, क्योंकि इसमें अलग 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 प्रॉब्लम आते हैं। तो इस बार ये प्रॉब्लम मैं आपको सही से दिखाने का प्रयास करता हूँ और स्टेप बाय स्टेप आपको बताता रहूँगा कि इसे किस तरीके से इसे रिपेयर करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आपको मेन पॉइंट पर लेकर जाता हूँ दोस्तों। हेलो दोस्तों, लकी टिप्स इलेक्ट्रॉनिक में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें। थैंक यू दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैं टीवी दिखा देता हूँ कि हमारी टीवी कौन सी पोजिशन में है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें हमारे बैक लाइट ऑन है और उंगली ठोकने से इस तरीके से फ्लैश आती है दोस्तों। तो इसमें हमारी पैनल खराब हो चुकी है दोस्तों। तो बहुत बार कस्टमर क्या करता है, घर पे देखता है और बोलता है हमारी टीवी में पिक्चर आ रहा है और इसमें डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो कभी कभी अगर आप बैकलाइट डालते हो, कस्टमर का डिस्प्ले भी खराब हो जाता है। तो कस्टमर बोलेगा आपको कि आपने तो उसका काम किया था, अभी उसमें पिक्चर नहीं देख रहा है, सेम फॉल्ट है। तो इस तरीके से कस्टमर को समझना है कि आपके टीवी में क्या प्रॉब्लम है दोस्तों। मैं कहता हूँ कि ये जो एलईडी टीवी होता है दोस्तों, इसमें बहुत ही नाजुक पार्ट होता है और ये आपका ज़्यादा दिन चलने वाला प्रोडक्ट नहीं है दोस्तों। बाकी आप इसमें लोग समझदार हैं, अगर समझ आप सकते डॉक्टर के हैं। पास भी जाते हो तो आप डॉक्टर से पूछ नहीं सकते कि हम कितने दिन तक जी सकते। अगर आपको सर्दी खांसी हो सकता है तो डॉक्टर आपको टेस्टिंग करेगा। जैसे ही हमारे पास भी मल्टीमीटर होता है कि हम इस पे कौन सा फॉल्ट है, इसे मेजर करके हम पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो आप कस्टमर के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि हमारे जो 12 वोल्ट है यहाँ पर प्रॉपर पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँच रहे। तो हमने इस जगह पे लगाया है और दूसरी जगह पे हमारा यहाँ पे आउटपुट है, ये इसका फ्यूज होता है दोस्तों। तो और हम कुछ वोल्टेज यहाँ पर मेजर करेंगे। यहाँ पे 1.8 का एक पॉइंट दिया होता है, यहाँ पर 1.8 सही से बन रहा है दोस्तों। और यहाँ पे और एक पॉइंट होता है दोस्तों 3.3 वोल्ट का दोस्तों, यहाँ पर तो 3.3 वोल्टेज हमारे देखिए एक्यूरेट दिखा रहा है। आपको एक अच्छा वाला और महंगा मल्टीमीटर यूज करना है दोस्तों,
इससे आपका जो प्रॉपर वोल्टेज होता है एकदम पॉइंट टू पॉइंट दिखाई दे। यदि एक पॉइंट भी वोल्टेज हमारा फॉल्ट होता है तो आप गड़बड़ी कर सकते हैं दोस्तों। कोई भी मैकेनिक भाई हो हमारा, अच्छा मल्टीमीटर यूज करे, क्योंकि आपको प्रॉपर फॉल्ट जल्दी से ट्रेस होकर आपका काम बन जाए दोस्तों। और ये जो 1.8 होल्ड होता है दोस्तों, यहाँ पर भी एक जगह पर मिलता है, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पर मैंने टच किया तो ये जो पॉइंट है, मैं आपको झूम करके नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि बहुत सारे मैकेनिक भाई यहाँ पर झूम करके दिखाते हैं और कस्टमर देखता है और घर पे ट्राई कर देता है। इसमें ना ही कस्टमर का नुकसान है, ना ही मैकेनिक भाई का नुकसान है, इसमें सिर्फ कंपनी का फ़ायदा है। ना वो मैकेनिक से बनेगा, ना ही कस्टमर से बनेगा, सीधा पैनल ख़राब हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर भी इसमें एक आईसी लगी होती है कॉपर, इसमें 1.8 जाता है। तो समझ लीजिए यहाँ पे 1.8 जा रहा है, लेकिन इसके कुछ वोल्टेज है जो हमारे बूस्ट नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रोब रखी तो यहाँ पे देख सकते 0.9 होल्ट से भी कम है, क्योंकि बहुत ही कम होल्ट है। तो अच्छा मीटर होगा तो आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये 1 होल्ट से भी अगर कम करे तो 1 होल्ट में से अगर हम 100 पकड़ ले तो 100 में से भी ये 9 होल्ट था दोस्तों। तो इतना कम वोल्टेज मेजर करने के लिए एक अच्छा मीटर आपको चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे होते हमारे 15 होल्ट AVDD पॉइंट, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 0.031। तो ये एक 100 की संख्या में पॉइंट पर ये कम वोल्टेज दिखा रहा है यहाँ पर भी, 100 में से 31। तो समझ सकते हैं आप कितना नॉर्मल मिली वोल्टेज यहाँ पे आपको दिखा रहा है। तो आपके को कुछ चेक नहीं करना है यहाँ पर। अगर आपके 1.8 वोल्टेज बन जाते हैं तो आपको कुछ चेक नहीं करना है कि इसके वोल्टेज कुछ बूस्ट हो रहे या नहीं हो रहे। तो ये भी आपके पास और एक अच्छा मल्टीमीटर हो कांटे वाला, तो आप इसके बूस्ट वोल्टेज बन रहे वो भी चेक कर सकते। और अलग अलग पैनल में अलग अलग मेथड यूज किया जा सकता है। यदि आप घर पे टीवी भी खोल लेते हमारे कोई कस्टमर, तो अलग अलग पैनल में अलग अलग उनको स्केलर बोर्ड मिलेगा, अलग अलग पीसीबी मिलेगा, और अलग अलग पीसीबी पे अलग अलग इसकी इंफॉर्मेशन होती है और अलग अलग इसकी रिपेयरिंग की थेरी होती है। तो देखिए दोस्तों एक छोटा सा आईसी है, मैंने आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये एक छोटी सी आईसी है दोस्तों, बहुत छोटी। तो यदि हम इस आईसी को मार्केट में लेने जाए तो बहुत ही महंगी मिलती है, और मैंने इसे मंगाया था बहुत ही महंगा, लेकिन मेरा काम सक्सेस नहीं हुआ। उसमें और भी कुछ खराबी थी और पैनल भी ख़राब था। पिछली बार मैंने एक वीडियो बनाया था जो ड्यूअल लेवल शिफ्टर वाला पैनल था। तो ऐसे महंगे कंपोनेंट यदि आप मार्केट से लेने जाओ तो आपकी जेब में मिनिमम 2 से 3 लाख का माल जेब में आ जाएगा, और किसको पता भी नहीं चलेगा दोस्तों। क्योंकि आजकल जो हमारे मोबाइल फोन्स वगैरह आते इसमें भी इस तरीके से कंपोनेंट होते, इसलिए हमारे मोबाइल फ़ोन बहुत महंगे महंगे बिकते हैं दोस्तों। और LED भी उनमें से एक है, इसमें भी बहुत सारे छोटे आईसी कंपोनेंट बहुत बारीकी से इसमें स्पेयर पार्ट यूज किए जाते हैं, और इनकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें जो ट्रैक बने होते हैं आईसी के अंदर वो एक सोने के धातु से बने होते हैं, इसलिए महंगी होती है। तो हम आते हैं अब मेन पॉइंट पे, इसका ट्रैक किस जगह पे कट किया जाए। तो दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि इसका जो एक ट्रैक कट करने का है इसका वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ कि कौन सी ट्रैक को कट करना है। तो मैं आपको अभी यहाँ पर झूम करके दिखाने वाला हूँ दोस्तों। मैंने मल्टीमीटर को एक रजिस्टर मोड पर रख दिया है, और अब हम इस पे चेक करेंगे कि हमारी शॉर्टिंग किस जगह पर है। तो मैंने कहा है यहाँ पर उंगली ना लगाए, क्योंकि पैनल के इंटरनली जो जाने वाले ट्रैक है अगर इसमें कोई वोल्टेज होते तो शॉर्ट हो जाते दोस्तों। तो घर पे इसे ट्राई ना करें, क्योंकि मैंने मल्टीमीटर अभी छोटा वाला लिया है, ये मेरा काफ़ी पुराना मल्टीमीटर है, इसलिए इसकी एक्यूरेसी अच्छी है, इसलिए मैं ये इस
मल्टीमीटर से अभी टेस्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ा मीटर है जो भी अच्छा है, लेकिन मोबाइल इस छोटी जगह पे उसको फोकस करके नहीं दिखाता, इसलिए वो मल्टीमीटर यहाँ पर नहीं आ रहा था। तो अब हम यहाँ पे कुछ ट्रैके हैं उसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैं ऊपर वाली दो ट्रैकों को मैंने टेस्ट पॉइंट पे लगाया, लेकिन कुछ शॉटिंग नहीं मिल रही मुझे। तो यहाँ पर और एक छोटी जगह है, वहाँ पर मैं अभी लगा के देख रहा हूँ, तो यहाँ पे भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें 460 ओम्स की शॉटिंग है, उसमें एक पॉइंट कम है। तो इस साइट में भी हम चेक करेंगे कि कितनी शॉटिंग है। तो ये जो साइट होता है दोस्तों, वही साइट इस साइट से भी हमें टेस्ट कर लेना है कि कौन से पॉइंट पर हमारी शॉटिंग है। तो हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर हमें मेगा होम्स में शॉटिंग नज़र आती है वो ट्रैक हमारा नहीं होता है दोस्तों शॉट, वो ओके होता है। बहुत छोटे पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर, देखने के लिए भी बहुत तकलीफ़ होती है, और इसे हम माइक्रोस्कोप की मदद से करते हैं, लेकिन ये वीडियो बनाने के चक्कर में हम इसे आपको एकदम धीरे धीरे दिखा रहे हैं कि कहाँ पर हमारी ट्रैक है। तो ये ट्रैक हमारी मिल चुकी है दोस्तों, इस साइट में भी हमारे सेम शॉटिंग दिखाई दे रही है दोस्तों। यदि दोनों साइट पर हमारी सेम शॉटिंग नज़र आती है तो हमें दोनों साइट्स को कट करके देखना पड़ेगा कि कौन सी साइट में हमारी शॉटिंग है। यदि इसमें से यदि जिस साइट पे कम शॉटिंग नज़र आती है तो उस साइट को कट करके हमारा डिस्प्ले ऑन हो जाता है। तो यहाँ पर हमें दो जगह पर शॉटिंग है, इस साइड से भी नज़र आ रही है, उस साइड से भी नज़र आ रही है। तो हमें दोनों को पहले कट करना है, फिर टेस्ट करना है कि कौन से हिस्से में हमारी शॉटिंग है, लेफ्ट साइड या राइट साइड। तो चलिए इसे हम अब क्लीन करेंगे। तो इसे हम क्लीन करते हैं अभी दोस्तों। इसे कट करने के लिए एकदम आपको नया चकाचक ब्लेड लेना है, जो ऑपरेशन ब्लेड होता है, और इसे ध्यान से कटिंग करना है। अगर यदि ये आपके हाथ वगैरह को लग जाता है तो सीधा अंदर से बाहर हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही तेज ब्लेड होता है। इसी से इसकी ट्रैकें कटती है, क्योंकि ये बहुत बारीक और डेंजरस ट्रैक होती है, और इसको ऊपर से लगाने के लिए एक टेस्ट लगता है दोस्तों। ये भी काफ़ी महंगा आता है, क्योंकि सोने को पिघलाने के लिए जो पेस्ट लगता है दोस्तों, वही पेस्ट ये होता है, बहुत ही महंगी क्वालिटी का। 10 ग्राम 350 या 400 रुपये का मिलता है दोस्तों ये पेस्ट। तो यह पेस्ट इस ट्रैक पर आपको लगाना है, बहुत ही महंगा वाला पेस्ट है दोस्तों ये। तो इतना जो पेस्ट है मेरा दोस्तों, ये 35 रुपये के लगभग पेस्ट है दोस्तों। इसे मुझे बहुत बार यहाँ पर लगाना पड़ेगा, जब यहाँ पे ट्रैक अगर जोड़ना पड़े तो। मैंने पेस्ट लगा दिया है दोस्तों, और ट्रैक को अब मैं यहाँ पर घिसूंगा। और ट्रैक को भी इस तरीके से घसना है दोस्तों कि आपकी ट्रैक टूट ना पाए। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पर किस तरीके से हमारी ट्रैक घिसी जा रही है। एकदम इसको आपको हल्के हाथ से यहाँ पर घिसना है दोस्तों, जो भी आपकी ट्रैक है दोस्तों।
यह पेस्ट लगाकर आपको ट्रैक घिसने में बहुत ही अच्छी ये मिलती है दोस्तों, कि आपकी जो ट्रैक है अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ट्रैकों को घिस लिया है दोस्तों। और ये जो काम है दोस्तों, डिस्प्ले को ऑफ कर दे, टीवी को ऑफ कर दे, तभी इस ट्रैक को आपको घिसना है। नहीं तो इस ब्लेड से यदि आपकी जो ट्रैक है सब शॉर्ट हो सकती है। तो हमारी जो शॉर्टिंग थी दोस्तों, यहाँ पर जो दो पॉइंट है दोस्तों, तो उसे हमें कट कर देना है दोस्तों। तो किस जगह पे हमें कट करना होता है दोस्तों, और सिंगल ट्रैक कट करना होता है यानी एक साइड दोस्तों। सिंगल ट्रैक का मतलब यानी एक साइड इसका जो भी शॉर्ट है उसे कट कर देना। शॉर्टिंग तो हमें दोनों साइड नज़र आ रही है, लेकिन पहले हम एक साइड को कट करेंगे और फिर ऑन करके देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैंने कट कर दिया है जो दो ट्रैक थी हमारी शॉर्ट वाली। तो इसे हमें चेक कर लेना है, जो हमारी शॉर्टिंग थी वो अब निकल चुकी है या अभी भी दिखा रही है। तो यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर का प्रोब लगा दिया और हमारी शॉर्टिंग अब नहीं है दोस्तों। तो मैं आपको कैमरा थोड़ा ये करके दिखा देता हूँ। जो ट्रैक है हमारी दोनों तरफ से शॉर्टिंग निकल चुकी है, देखिए यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं आ रहा है। और जो दूसरी वाली बाजू है दोस्तों हमारी, इसे भी हम ट्रेस करेंगे अब जो हमारी शॉर्टिंग है। तो इस साइड से हमारी अब शॉर्टिंग नहीं है दोस्तों, यहाँ पर भी अभी शॉर्टिंग नज़र आ रही है दोस्तों। अभी भी इस पैनल में इस साइड से भी हमें शॉर्टिंग मिल रही है दोस्तों। तो हम क्या करें दोस्तों, अब पैनल को ऑन करके देखेंगे कि हमारी जो सप्लाई कट करने के बाद शॉर्टिंग निकल चुकी है या इसमें शॉर्टिंग है दोस्तों। तो अब हम इसे इंटरनली चेक करेंगे कि हमारी शॉर्टिंग रिमूव हुई या नहीं हुई। तो इंटरनली तो हमें यहाँ पर शॉर्टिंग मिल रही है दोस्तों अभी भी, और ऊपर से हमारी शॉर्टिंग रिमूव हो चुकी है। एक बार इसमें अब हम पावर देंगे और इसे आपको ऑन करके दिखाएंगे। तो चलिए, हमने इस सेट में पावर दे दिया है और पावर की को भी हमने प्रेस कर दिया है। तो सेट हमारा ऑन हो चुका है दोस्तों, यहाँ पर बैकलाइट की रोशनी आ रही है। तो हम पहले अब इसमें चेक करेंगे कि हमारा जो शॉर्टिंग था वो निकल चुका है और क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हमने टेस्ट किया तो हमारे 31-32 होल्ट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जो होते हैं हमारे VGH। तो हमारी IC बूस्ट हो चुकी है और हमारी पिक्चर भी बन चुकी होगी दोस्तों, लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों। तो मैं TV को ऊपर करता हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमारी इसमें पिक्चर बन चुकी है दोस्तों। इसमें कभी कभी क्या होता है दोस्तों, थोड़ी ब्लू टाइप की भी पिक्चर आती है, और पिक्चर तो मुझे क्लियर दिख रही है दोस्तों, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कॉर्नर पे जैसे ही मैंने मेनू प्रेस किया तो यहाँ पर एक लाइनिंग लपक झपक रही है दोस्तों, इसमें बार्स आ रहे हैं दोस्तों। तो हमें इसे सेट को अब ऑफ कर देना चाहिए। मैंने इसे पावर ऑफ कर दिया क्योंकि ये सेट पूरी लाइनिंग भी आ जाएगी, नहीं तो इसका जो मैंने बताया दोस्तों घर पर ट्राई ना करें, क्योंकि
इसमें जो शॉटिंग है दोस्तों, हमने शॉटिंग तो रिमूव कर दी दोस्तों, लेकिन इसे शॉट किलर की मदद से हमें इस शॉटिंग को रिमूव करना पड़ता है दोस्तों, और इस टैको को वापस जोड़ना पड़ता है दोस्तों। और मिनिमम इसे बनाने का जो टाइमिंग होता है दोस्तों, एक पूरा दिन भी हमारा चला जाता है, सुबह से लेकर शाम तक, या सुबह अगर हम इस काम को 7 बजे लगते तो करीबन 2 भी बज जाते, क्योंकि इसका बहुत ही बारीक काम होता है दोस्तों। अभी ये जो ट्रैक में इसे जोड़ूंगा तो आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो बारीक ट्रैक मैंने कट किए आपको दिखाई भी नहीं देगी, क्योंकि बहुत ही बारीक होती है, मैंने बताया आपको हैंड के बाल के जैसे। तो घर पर कोई भी मैकेनिक हो या अधूरा मैकेनिक हो, इसे ट्राई ना करें, बहुत ही रिस्क भरा काम होता है इसमें दोस्तों। अब मैं शॉर्ट किलर की मदद से इसकी शॉर्टिंग निकालूंगा और इसके ट्रैक जोड़ दूंगा, फिर इस सेट को चलाऊंगा, तो ये 2-3 घंटे चलने के बाद फिर इसे कस्टमर को डिलीवर कर दिया जाएगा दोस्तों। इसकी जो शॉर्टिंग रिमूव करने की भी वीडियो मैंने बनाई है सैमसंग पैनल में, किस तरीके से शॉर्टिंग निकाली जाती है और शॉर्ट किलर भी किस तरीके से बनाया जाता है, इसकी भी मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको लिंक मिल जाएगी दोस्तों। तब तक मिलते हैं दोस्तों, और जाते जाते ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। यदि कोई इस सेट को घर पर खोलकर रिपेयर करना चाहता है तो उसे पता होना चाहिए इसमें किस तरीके से रिपेयर किया जाता है, और अगर कोई घर पर इसे ओपन भी कर लेता है तो उसका सेट पूरी तरीके से ख़राब करके आपके पास आएगा, और आपको पता चल जाएगा कि कस्टमर ने इसे घर पर कुछ ट्राई किया है। तो घबराइए मत दोस्तों, अगर कोई घर पर बनाना चाहता है और अपना मजदूरी बचाना चाहता है तो अपना टीवी ख़राब खुद कर सकता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, गुड बाय दोस्तों।